नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है, आप सभी के लिए थोड़ी सी शॉक न्यूज़ हो सकती है, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स ने मुझे शेयर किया है तो मैं आपके सामने इसको शेयर करने वाला हूँ। तो क्या बोलते हैं, हाय सर, मैं मुंबई से ICG का एग्ज़ाम हुआ है, मैंने इनसे पूछा कब, तो इन्होंने बोला कि 7 बजे का जो बैच था उसमें आज हुआ है, ठीक है। मैंने इनसे बोला कि अपना रिव्यू है जो शेयर कीजिए, तो देखिए इन्होंने क्या क्या बोला। सर, 92 कैंडिडेट, ठीक है, 1 सितंबर से पहले सेंटर OBC जिसका है उसकी एंट्री नहीं है, मतलब जिसका से पहले, अच्छा देखिए, पहले का नहीं है उसकी एंट्री नहीं हुई, यानी कि 1 सितंबर से पहले का आपके पास जो मतलब कि कास्ट सर्टिफिकेट है OBC सेंटर का है वो आपके पास पहले का होना चाहिए। यदि वो आपका बाद का है तो उसमें आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और डोमिसाइल की बात करें तो इसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं होती दोस्तों। डोमिसाइल आपका कभी का भी चल जाएगा, 2000 का हो, 2001 का हो, कभी का भी हो, डजेंट मैटर, ठीक है, आपका वो चल जाएगा। बट कास्ट सर्टिफिकेट है यहाँ पर, ये रिन्यू होता है। सर, मैथ काफ़ी टफ था, 12th लेवल से था, कॉनिक सेक्शन, हाइपरबोला, पैराबोला और यहाँ से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12th लेवल का सिलेबस है जो मुंबई के एग्ज़ाम सेंटर में पूछा गया है। 25 क्वेश्चन टोटल थे मैथ से, इंग्लिश से 13 क्वेश्चन, रीजनिंग के 3 क्वेश्चन, जी के 3 क्वेश्चन, बाकी सब फिजिक्स प्रॉब्लम और थ्योरी क्वेश्चन थे। यहाँ पर है जो बहुत ही क्या है, देखिए कि एक भी बंदा सेलेक्ट नहीं हुआ। तो दोस्तों, पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था मई 2019 के अंदर, कब हुआ था दोस्तों, मई 2019 के अंदर, शायद भी आपका जो एग्ज़ाम था वो 19 तारीख को था, 19 मई को जो एग्ज़ाम था उसके अंदर कोई भी कैंडिडेट है जो सेलेक्ट नहीं हुआ था। ये बात थी नोएडा सेंटर की, कहाँ की दोस्तों, वहाँ पर नोएडा सेंटर की बात थी। और यहाँ से कैंडिडेट बहुत सारे गए थे, लगभग भी 200 कैंडिडेट थे, काफ़ी यहाँ से हमारे पास के कैंडिडेट थे जो नोएडा सेंटर पर गए थे, तो उनमें से एक का भी सलेक्शन नहीं हुआ था। तो यहाँ से मुंबई से थोड़ी सी न्यूज़ ये देखने को मिल रही है। तो आप ऐसा ना सोचें कि कोस्ट गार्ड का पेपर का लेवल लो आ रहा है तो तैयारी को हल्के में लें, नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि पेपर को ऐसा बना दिया जाए कि आप 40 मार्क्स भी गेन ना कर पाओ, और जब आप 40 मार्क्स ही गेन नहीं कर पाओगे तो आपको मेरिट तो दूर की बात है, आप पास मार्क्स ही नहीं गेन कर पा रहे हो तो आप फेल हो जाओगे। तो इसीलिए थोड़ी सी अपनी तैयारी है उसको बरकरार रखें, अच्छे से तैयारी करें। जो भी चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ, मैंने जैसा जैसे आपको रिव्यू दिया है, अब मुझे भी ये चीज़ बताने की नीड नहीं है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, वो आप खुद सोच सकते हैं अपने माइंड से कि कोस्ट गार्ड कैसे एग्जाम बना रहा है। तो 10th एंड 12th दोनों की मैथ, 10th एंड 12th दोनों की फिजिक्स, और बाकी जो सभी सब्जेक्ट है नॉर्मल, GK, इंग्लिश और रीजनिंग, ये चीजें आपको कवर करनी होंगी। मैथ्स और फिजिक्स की दोस्तों फिर से बता रहा हूं, 10th और 12th दोनों का कीजिएगा, बाद में मेरे से मत बोलना कि सर आपने ये बताया था। टॉपिक मैं आपको बता देता हूं, टॉपिक आपके पूछे जा रहे हैं कॉनिक सेक्शन एक, तो एक आपका ट्रिग्नोमेट्री है, प्रोबेबिलिटी है, और उसके बाद डिटरमिनेंट है, ये क्वेश्चन है आपके यहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एक दो टॉपिक और हैं जो मैं आपको करवा चुका हूँ। सो आशा करता हूँ कि आपको ये व्यू है, जो रिव्यू जो मैंने दिया है, पसंद आया होगा। और देखिए दोस्तों, मैं कोई मन से नहीं बना रहा हूँ, जैसा मेरे पास आया वो मैंने आपके पास शेयर कर दिया। सो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों में, शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।